प्रणाम गुरुदेव। यशस्वी भव तैलप राज। कुशल वापस आए यही हमारे लिए बहुत है। हमने आपकी कुशलता की दिन रात कामना की। आपने हमारी कुशलता के लिए कामना की, आपका धन्यवाद। आपको शत्रु ने कोई कष्ट तो नहीं दिया ना? बंदी होने का अपमान सहने से बड़ा क्या कष्ट होगा एक राजा के लिए। आपका कहाँ है? हमें उनसे अभी इसी वक्त मिलना है। अभी थोड़ा समय विश्राम तो कीजिए। अभी हमारी जरूरत मान्यखेट को है। हम आपसे आके मिलते हैं। महाराज, कोठा जलने के बाद से कोशा और मौसी का कोई सुराग नहीं। किसी ने उन्हें नहीं देखा। तलाश जारी रखिए प्रधान। जी महाराज, पता चलते ही सूचना दूंगा। कोठे के बाहर अभी तक पहरा है। बड़ी कठिनाई से सामान लेकर आई हूँ। पता नहीं कब तक रहना पड़ेगा। एक बड़ी खबर लाई हूँ तेरे लिए। सुना है तैलबराज वापस आ गए। क्या कहा? फिर से कहो। जब खाने का ये सामान लेने गई थी तो सुना कि तैलबराज वापस आ गए। ओ मौसी, ओशा कहाँ जा रही है? ओशा रुक, मौसी हमें उनसे मिलना होगा अभी इसी वक्त। मत मारी गई है तेरी। किसी ने पहचान लिया ना तो मार दी जाएगी। लेकिन और कोई रास्ता भी तो नहीं है ना? अगर कोई हमें इस मुसीबत से निकाल सकता है ना तो वो सिर्फ तैलपराज है। पागल मत बन कोशा, मेरी कसम है तुझे, अगर एक कदम और तूने आगे बढ़ाया तो मेरा मरा मुंह देखेगी। ऐसी सजा मन तो मौसी, कसम वापस ले लीजिए मौसी। तैलपराज, आप इतने घबराए हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं मुझे? मैं आपसे मिलने आया था। क्या, हमसे मिलने? आज शायद मुझे ज्यादा ही असर हो गया है या आप नशे में हैं? मौसी,
मौसी, वो हमसे आज भी प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं मौसी। कौन सी चिंता खींच लाई गुरुदेव? मेरी चिंता का विषय ऐसी कौन सी चिंता है गुरुदेव जो इतना संकोच कर रहे हैं? मेरी चिंता का विषय है सम्राट पृथ्वी वल्लभ के सामने भविष्य में आने वाली असंख्य चुनौतियों का। आप तो वर्तमान से लड़कर जीने वाले योद्धा हैं गुरुदेव, भविष्य की चिंता को लेकर आप कब से संघर्ष करने लगे गुरुदेव? संघर्ष है और यह संघर्ष तलवार और तलवार के ऊपर लिखी हुई कविताओं के बीच। स्पष्ट कहें गुरुदेव। मालवा को इस वक्त कविताओं की नहीं तलवार की आवश्यकता है। महाराज, एक आशंका मुझे कई दिनों से चैन की नींद नहीं सोने दे रही। ऐसा लग रहा जैसे आपके ऊपर बहुत भारी संकट आने वाला है। कहां से, किस तरफ से, ये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन कुछ तो है। आप पृथ्वी वल्लभ को सम्राट की भूमिका से अवगत कराने आए हैं। आपकी चिंता है कि कविताएं जीत जाएंगी और तलवार हार जाएगी। गुरुदेव, मालवा का शत्रु मालवा के सम्राट का भी शत्रु है। तैलप राज, ऐसे भी मत जाइए कि आपके आने का भ्रम ही रह जाए। कभी हमारे लिए भी रुक जाइए। कल से प्रतीक्षा में थी कि आपका सानिध्य मिलेगा। कुछ समय आप हमारे साथ बिताएंगे। जो स्वयं से बातचीत करने की स्थिति में ना हो उसे क्या बात की जाए। आप और आपकी मदिरा, अच्छा साथी चुना है आपने। हमें नहीं लगता कि आपको हमारी आवश्यकता है। हमारे होने या ना होने से आपको कोई फर्क पड़ता है? अका की अभी तक कोई खबर नहीं। कोई फर्क पड़ा आपको या आपकी मदिरा को? सुनिए
सच कहा आपने, हमें फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता तो अपने पति की प्रतीक्षा में आंखें भी चैन नहीं रहती। बंदी बनकर उनके साथ मालवा में रहती। फर्क पड़ता तो आपकी बहन की मनमानियों को सहन नहीं करती, या फिर उनकी ही तरह पूरे राज परिवार को चिंता और तनाव में डालकर कहीं चली जाती। तैलप राज, आपने कभी ये सोचा है कि हमें मदिरा का सहारा लेना ही क्यों पड़ा? आप इस समय अपने आपे में नहीं हैं। हम आपसे तब बात करेंगे जब आप अपने आपे में होंगी। जाइए जाइए, चले जाइए आप। इस राज परिवार में तो किसी को किसी बात से फर्क ही नहीं पड़ता। यदि फर्क पड़ता तो उस नाचने वाली को घर भी जल चुका है, और फिर भी आपने उसको कोसना नहीं छोड़ा, और ना ही ये पता है कि दुर्घटना हुई कैसे। घर? तैलप राज, उसे घर नहीं, कोठा कहते हैं। एक नाचने वाली का कोठा। रही बात दुर्घटना की, तो इस राज्य में जो भी घटना या दुर्घटना घटती है उसके पीछे एक ही व्यक्ति का हाथ होता है। क्या तात्पर्य है आपका? साफ साफ कहिए, क्या कहना चाहती हैं आप? महारानी, इस तरह अचानक आपके कक्ष में प्रवेश करने के लिए क्षमा चाहूंगी महारानी, लेकिन गुरु विनय आदित्य ने अति आवश्यक कार्य हेतु आप सबको बुलाया है। जाइए। जी। महामानव, तो हमारी राजकुमारी एक बार फिर अफ्रीकी सैनिकों की मदद लेने गई थी। अपमान का प्रतिशोध इसी वजह से उन्होंने इतनी लंबी यात्रा की थी। राजकुमारी की हिम्मत और शौर्य की प्रशंसा करनी होगी। उन्होंने मालवा और पृथ्वी वल्लभ को पराजित करने का उपाय आखिरकार निकाल ही लिया। आगे की योजनाओं की स्पष्टता मृणाल स्वयं दे तो बेहतर होगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.